भाई हाफ पैंट कैसे करके हाफ पैंट 150 रुपये करके हाफ पैंट बोल रहा था। अरे तो और सस्ता हो, 50 रुपया 50 रुपया में उधर 100 रुपये का प्याज जमा कर दो करे दादा 120 करके। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का बड़ा बाजार गारमेंट मार्केट विजिट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं उपस्थित हूँ कोलकाता का हावड़ा ब्रिज पर और यहाँ से चलते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार गारमेंट मार्केट और विजिट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार गारमेंट मार्केट। तो इस हावड़ा ब्रिज से कोलकाता का बड़ा बाजार गारमेंट मार्केट दूरी है करीब 15 मिनट। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार गारमेंट मार्केट एक्सप्लोर करके। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस आ गया कोलकाता का हावड़ा ब्रिज से कोलकाता का बड़ा बाजार गारमेंट मार्केट और रोड के उस पार में है कोलकाता का आयरन मार्केट और इस साइड में है कोलकाता का गारमेंट्स मार्केट। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कोलकाता का गारमेंट्स मार्केट। यहां से जो है कोलकाता का बड़ा बाजार का गारमेंट्स मार्केट स्टार्ट होता है। तो चलिए और आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता का बड़ा बाजार का गारमेंट्स मार्केट का व्यू अंदर का। तो यहाँ पे एक के बाद एक इस साइड में बेल्ट वगैरह की दुकानें हैं और पास में एमजी रोड है। और यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर लेडीज गारमेंट्स की दुकानें हैं और यहाँ पे बैग वगैरह की दुकानें हैं। तो इस लेन से अंदर तरफ एंट्री करने के बाद सारे मार्केट दिख जाता है कोलकाता बड़ा बाजार का। तो इसे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जेंट्स लेडीज चाइल्ड वगैरह का दुकाने का शॉप भी। तो इस साइड में बच्चे से लेकर हर एज ग्रुप के गार्मेंट्स को दुकान दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको हर प्रकार के हर क्वालिटी के गारमेंट्स मिल जाएंगे इस मार्केट में। और यहाँ पर काफ़ी से दुकानें हैं जो होलसेल प्राइस में गारमेंट्स सेल किया करते हैं, जिसके कारण कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों से रिटेलर जो व्यवसायी है वो यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट बाई करने होलसेल प्राइस में और रिटेल प्राइस में सेल किया करते हैं। भाई हाफ पैंट कैसे करके हाफ पैंट 150 रुपये करके हाफ पैंट बोल रहा है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो एक के बाद एक दोनों साइड में रास्ते के दुकानें सजे हुए हैं गारमेंट्स के। इस लेन में जितने सारे दुकानें हैं सजे हुए गारमेंट्स के, उसका आपको व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक के बाद एक दुकान सजी हुई है, काफी भीड़ भी है। तो यहाँ पर लेडीज जेंट्स चाइल्ड हर एज ग्रुप के और हर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। देखिए देखिए तो यहाँ के दुकानों पर आप देख सकते हो तो कितने सुंदर सुंदर गारमेंट सजे हुए हैं।
और इस लेन के अंदर एंट्री करने के बाद आपको एक के बाद एक दुकान दिख जाएंगे। और आगे तरफ चलते हैं। तो कोलकाता के बराबर में काफ़ी सी दुकानें जो फिक्स प्राइस में प्रोडक्ट सेल किया करते हैं, बट काफ़ी सी दुकानें हैं जो फिक्स प्राइस में सेल नहीं करते हैं। वहाँ पर आप आसानी से बार्गेनिंग करके कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। हर टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे एक के बाद एक दुकान है। तो इस लेन के अंदर एंट्री करने के बाद जो काफ़ी सी दुकान दिख जाएंगे। तो कोलकाता के बराबर गारमेंट मार्केट के स्टार्टिंग से काफ़ी आगे तक आ चुका हूँ, फिर भी कोलकाता का ये बराबर गारमेंट मार्केट का एंड नहीं हो रहा है। और आगे तक चलते हैं और आगे तक आपको व्यू दिखाते हैं। तो कोलकाता के बराबर गारमेंट मार्केट के दुकानों का भीड़ भी काफ़ी सारे है, देख सकते हो। और आप लोगों की अक्सर क्वेरी रहती है कि प्रोडक्ट का प्राइस बताइए, तो यहाँ पर हर क्वालिटी के हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस है। और प्राइस जो है सब समय एक जैसा नहीं होता है, ये सीजन के हिसाब से प्राइस जो चेंज होते रहता है। इसलिए आप जब भी आप आते हो यहाँ पर मार्केटिंग करने, तो कोई भी दुकान पर आसानी से बार्गेनिंग करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो यहाँ तक इस कोलकाता का बराबर फैला हुआ है। और फाइनली मैं गाइस आगे चले जाते हैं कोलकाता का बराबर गारमेंट मार्केट स्टार्टिंग से सत्यनारायण पार्क यहाँ पे। और ये देख पा रहा हूँ ये है टर्निंग पॉइंट सत्यनारायण पार्क का। तो सत्यनारायण पार्क एक अलग ही मार्केट है, तो इसके ऊपर मेरा अलग से ब्लॉग बना हुआ है, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो कोलकाता का बराबर गारमेंट मार्केट और आगे तक फैला हुआ है, तो मैं और आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि शाम हो चुका है। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद लाइक कीजिए। और अगर अपने चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किस नए ब्लॉग के साथ, तब टेक केयर। जय हिंद।